गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि क्या नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट हैं या नहीं, नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल का शो बीच में ही क्यों छोड़ा, उसका भी रीज़न आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट हैं या नहीं। नेहा कक्कड़ की प्रेगनेंसी को लेकर आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं उसका सभी लोगों को बेहद काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। जानने के लिए आप लोगों को वीडियो को आखिर तक देखना होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए गाइज इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि नेहा कक्कड़ एंड रोहनप्रीत सिंह की शादी जो है वो एक साल पहले हुई थी, उनकी शादी को एक साल हो चुका है। गाइज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि नेहा कक्कड़ ने अपना वेट गेन किया है। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि नेहा कक्कड़ ने इंडियन आइडल शो जो है वो बीच में ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे थे कि क्यों नेहा कक्कड़ ने शो बीच में क्यों छोड़ा। जैसा कि गाइज आप लोग जानते हैं कि नेहा एंड रोहनप्रीत की शादी को एक साल हो चुका है। नेहा हमेशा अपने काम के लिए हमेशा आगे रहती हैं, वो कभी भी किसी काम से पीछे नहीं हटती। तो वो लगातार काफ़ी सारे शोज़ कर रही थी, कॉन्सर्ट थे, काम में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। नेहा ने अपनी मैरिड लाइफ को और समय देने के लिए शो को छोड़ दिया और उनकी जगह पर उनकी बहन सोनू कक्कड़ ने जगह ले ली। एंड शायद अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि नेहा कक्कड़ ने एकदम से इंडियन आइडल शो क्यों छोड़ा। नेहा कक्कड़ एंड रोहनप्रीत ने एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो जब भी जहाँ जाते हैं वहाँ उनसे पूछा हो जाता है उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। वाइज उस वीडियो के दौरान नेहा कक्कड़ ने बताया कि उन्होंने थोड़ा सा वेट गेन किया है जिसकी वजह से वो थोड़ी मोटी नज़र आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेगनेंट हो चुकी हैं। ये बात नेहा कक्कड़ ने बहुत ही फ़नी अंदाज से कही थी। साथ ही नेहा ने बताया कि वो अभी 2-3 साल बिल्कुल भी प्लान नहीं करने वाली हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना है, काफ़ी सारे शोज़ करने हैं। एंड उनके हस्बैंड रोहनप्रीत ने बताया कि फिलहाल अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। गाइज नेहा ने बताया कि जब भी ऐसी कोई गुड न्यूज़ होगी तो वो डेफिनेटली अपने फैंस के साथ शेयर करेंगी। गाइज आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को काफ़ी सारी जानकारी दी, हमने आप लोगों को बताया कि इंडियन आइडल उन्होंने क्यों छोड़ा एंड उनकी प्रेगनेंसी के बारे में भी सारे डाउट्स क्लियर किए आप लोगों के। हमारी आज की ये न्यू वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि और भी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिल जाए एंड कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। हमारे चैनल पर मिलेंगी आप लोगों को बॉलीवुड से लेकर सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो हमारे चैनल पर मिलेंगी, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। पसंद आया हो तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।